नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी व्यंजन में। बारिश के मौसम में अगर प्याज के पकौड़े मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। तो इतना इजी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, पर थोड़ा सा तरीका यूनिक होगा जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं प्याज के पकौड़े बनाना। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मैंने ले लिया है मीडियम साइज़ का 6 प्याज। अब इसे मैं छिल लूँगी। इसे छिलने के बाद मैं इसे लंबे आकार में पतला पतला काट लूँगी। हम प्याज जितना पतला काटेंगे उतना ही पकौड़े अच्छे बनेंगे। और अब काट लेने के बाद एक बर्तन में मैं ये सारा प्याज डाल दूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी 3 चम्मच बेसन और 1.5 चम्मच मैं डाल दूंगी इसमें चावल आटा। कई लोगों को नहीं पता होगा कि प्याज के पकौड़े में चावल आटा डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनता है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला जो कि मैंने घर पे ही बनाया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच मैं अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डाल दूंगी और धनिया का पत्ता और नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार 1.5 चम्मच। मैंने इसमें नमक का उपयोग किया है और अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसमें पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करूँगी। जो प्याज में पानी होता है उसी के पानी से मैं इसे बाइंड करने की कोशिश करूँगी और अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं और भी बेसन डालूँगी। तो मैंने इसमें बाद में और 3 चम्मच बेसन डाला है। तो टोटल मैंने 6 चम्मच बेसन का उपयोग किया है इसमें और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें एकदम थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। आप लोग चाहें तो प्याज में पहले अगर नमक डाल देंगे तो फिर उसके बाद इसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। और ये यकीन मानिए अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये तैयार हो चुका है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल गरम हो चुका है। मैं गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पे रखूँगी। तेज़ फ्लेम में हमें पकौड़े नहीं बनाने, नहीं तो ये जल जाएंगे। और अब मैं थोड़ा सा मिक्सर लेके तेल में डालूँगी। हमें इसमें कोई शेप नहीं देना है और कढ़ाई में जितना भी स्पेस है मैं उतना मिक्सचर इसमें डाल दूंगी। इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक के पकाऊंगी। फ्लेम मैंने अभी भी मीडियम ही रखा है, मीडियम टू लो पे। ये हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। तो तेज़ फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी ना तलें। और अब मैं दूसरे बैच में भी मिक्सचर तेल में डाल दूंगी और गोल्डन ब्राउन होने का वेट करूंगी। और अब ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन सबको भी मैं निकाल लूँगी। क्रिस्पी क्रंची प्याज के पकौड़े एकदम तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट पे निकाल लूँगी और इसे आप टोमेटो सॉस से खाएं, चिली सॉस से खाएं या फिर टमाटर की चटनी के साथ खाएं और साथ में चाय हो तो क्या ही मज़ा है। और अब मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये बहुत ही क्रंची बना है। तो मैंने प्याज के पकौड़े बनाने के लिए 2-3 ट्रिक बताया, जैसे कि कम से कम बेसन का यूज़ किया है मैंने इसमें, पानी का भी बहुत कम उपयोग किया है मैंने और चावल आटा डालने से प्याज के पकौड़े बहुत ही क्रंची बनते हैं। जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में आप लोगों को प्याज के पकौड़े बनाना बताया है, आप लोग इसे ट्राई करिए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा बना। तो
कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक के पहुंच सकें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है tastyvyanjan11। थैंक यू।